YouTube channel Study with Sonal, and you know that if you're watching my video from last some days or so, you will get to know I'm here only for the education purpose, to improve whatever I can do in math, science, and some short tricks and tips. So please subscribe, share, and like my channel. And we were doing class 12th maths here. पूरा कोर्स कराया जाएगा यहाँ पे, तो डोंट वरी अबाउट दैट. समबडी वॉज आस्किंग मी कि आप पूरा कोर्स कराएंगे क्या. येस, आई विल डू द पूरा कोर्स. ठीक है, और बाकी जो रिक्वेस्ट आई है किसी भी चैप्टर की, वो हम डिटर्मिनेंस चैप्टर के बात करेंगे. सो वी आर डूइंग द डिटर्मिनेंस चैप्टर, एंड उसमें हमारी एक्सरसाइज 4.5 वी वर डूइंग. सो 4.5 से 4.5 में ही क्वेश्चन नंबर 4 तक वी हैव डन. सो बिफोर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, क्या हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं, फाइंड आउट करेंगे. अगर हो जाता है मीन्स जीरो नहीं आता है, नहीं, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अगर जीरो आ जाता है तो ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट. ओके, नाउ द स्टेप नंबर 2, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ द स्टेप नंबर 3, यूज फॉर्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए जॉइंट ऑफ ए. हाउ टू डू दिस ऑल आई विल शो यू इन द क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर 5 to 11. We have to do the same thing. You can see here, find the inverse of each of the matrices given in 5 to 11. And यहाँ बहुत काम की चीज़ लिखी है. If it exists, exists करता है तो हमें करना है. ठीक है, question number 5 देखते हैं. टू माइनस टू फोर थ्री. फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, दिस वी विल सी. डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, 3 2 6 माइनस 4 2 8 एंड माइनस 8, तो कितना आ रहा है, 14, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो ज़ीरो के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, देयर फोर इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अभी हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए. सो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए देर आर टू थिंग्स. I'm doing here the shortcut. What? Just okay, चलो, no shortcut. ठीक है, हम पूरा कर लेते हैं. कैसे, यहाँ पर मैं find out करती हूँ a11, a12, a21, a22. ठीक है, कैसे निकालते थे a11? Just hide this and this, you will left with the number which is 3. Then a12, so फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यू विल गेट 4, एंड बिकॉज ऑफ सम इज ऑड यू विल गेट -4, एंड हियर 2 1, सो विल गेट -2, एंड बिकॉज ऑफ द दिस विल बी क्या ऑड है, तो हमको क्या मिलेगा, +2, एंड a22 ये क्या हमको क्या मिलेगा, 2. ठीक है ना, तो दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए. रो, ये रो है यहाँ पे, दैट विल बिकम कॉलम, एंड दिस रो विल ऑल्सो बिकम कॉलम हियर. सो दिस इज योर जॉइंट ऑफ ए. देन इनवर्स ऑफ ए. इनवर्स ऑफ ए का क्या फॉर्मूला है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. राइट, सो जस्ट पुट द इनवर्स, यू विल गेट 1 बाय 14, देन एडजॉइंट 3 2 माइनस 4 2, एंड दिस इज योर आंसर. ईजी, just need to follow three steps. क्या ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ द फर्स्ट स्टेप, देन यहीं पे क्वेश्चन डिसाइड हो जाएगा इफ़ यू नीड टू डू इट फर्दर और नॉट. देन एडजॉइंट ऑफ ए, देन इनवर्स. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आई विल डू द शॉर्टकट फॉर एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. ए है मेरा ये, ठीक है, राइट. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, -2 माइनस ऑफ 5 3 15, सो विल गेट कितना, -2 + 15, विच इज व्हाट, 13, विच इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर वी विल से इनवर्स एग्जिस्ट्स.
नीचे का इतना काम हमें करना है, एंड विल फाइंड आउट एट जॉइंट ऑफ ए. फॉर 2x2 मैट्रिक्स वी हैव अ शॉर्टकट, इंटरचेंज दीज एंड देन पुट द नेगेटिव साइन हियर. ठीक है, नेगेटिव यहाँ लगाया, यहाँ नेगेटिव लगाया, ये द आंसर विच इज़ एडजॉइंट ऑफ ए. अभी ए इनवर्स का फॉर्मूला हमको लर्न कर लेना है. क्या है फॉर्मूला? 1/determinant ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ 1/13, 2-5, 3-1. सो यस, दिस इज योर ए इनवर्स, दैट्स इट, है ना. ईजी है क्वेश्चन, 2x2 बहुत आसान है, ठीक है ना. 2x2 में शॉर्टकट भी लग जाता है, इसीलिए लेट्स डू द 3x3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स हम फाइंड करते हैं. ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट पेज पे 1, 0, 0, 2, 2, 0, 3, 4, 5. ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट को, अच्छा, एक्सपैंडिंग अलोंग सी वन, एक्सपैंडिंग अलोंग सी वन आई एम डूइंग. ठीक है, तो वन ये गया, सो 2, 4, 0, 5, देन 0, देन 0. इसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि सी वन के अराउंड किया है हमने. कितना आ जाएगा? 10. 5 2s are 10, माइनस 0. सो 10 तो नॉट इक्वल टू 0 है. सो विल से देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, अच्छा, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसको एक और मैट्रिक्स कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, सो गो एंड वॉच दैट ऑल्सो. ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए के लिए वी हैव टू फाइंड आउट को फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द को फैक्टर्स, देन वी विल डू इट फर्दर. आई होप यू आर गेटिंग, सो सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है, एंड शेयर कमेंट ऑल्सो इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो. सो ये गया, यहाँ क्या आ जाएगा? 5 2s are 10, माइनस 0. देन ए 1 2, दिस गॉन, 0 माइनस 0 0. देन ए 1 3, दिस 0 माइनस 0 0. यहाँ पे नेगेटिव साइन सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज 0 ही आ रहा था, राइट. नाउ ए 2 1, दिस गॉन. कितना आया? सी 5 2s are 10, माइनस 0, एंड बिकॉज ऑफ दिस विल पुट नेगेटिव साइन. ओके, एंड हाइड दिस एंड द मिडिल वन. तो 5 1s are 5, देन 0, 3 5 ही आ रहा है, सिंपल. देन 8 2 3, हाइड दिस एंड द मिडिल वन. तो हम हाइड करेंगे, हमको कितना मिल रहा ऊपर? 1 2, नीचे 0 0. क्रॉस करोगे, यू विल गेट 0 ओनली, राइट. 8 3 1, दिस एंड दिस, कितना आ जाएगा? 4 2s are 8, माइनस 6, 8 माइनस 6 2. 8 3 2, दिस गॉन. 4 1s are 4, एंड दिस विल बी प्लस करेंगे तो ऑड आ रहा है. 4 1s are 4, कितना आ जाएगा? -4. 8 3 3, 2 1s are 2, -0 2. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग को फैक्टर्स. एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? जस्ट ट्रांसपोज ऑफ दिस वी नीड टू डू. रो विल बिकम कॉलम. ठीक है, दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए. नाउ द फाइनल कॉल. इनवर्स का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, 1/determinant ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना. 1/10, देन द होल एडजॉइंट. सी हाउ सिंपल मैथ्स इज, नो, हाउ क्यूट, हाउ स्वीट. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7. इनवर्स इस तरीके से हमने निकाल लिया. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग
सो अभी क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही 8, 9, 10 तीनों सेम हैं. सो यू कैन डू इट एट होम. एक काम करते हैं, 8th एंड 9th ये दोनों मैं देती हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है. 10th क्वेश्चन हम यहाँ कर लेते हैं एक बार, कि वो भी होमवर्क के लिए दूँ. ओके, 10th कर लेती हूँ. आप लोग कहेंगे कि ज़्यादा होमवर्क दे दिया, सिर्फ दो ही क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए करेंगे हम, ठीक है ना. दो, हाँ दो ही आज के लेक्चर के लिए. एंड ठीक है, करते हैं 1 - 1 = 2 - 2 - 3 - 3 - 2 = 4. फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट फर्स्ट. सो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 अगेन, ठीक है, कितना आ जाएगा 1. देन दिस गॉन कितना बचेगा, मैं पूरा लिखती हूँ इस बार, 2 - 3 - 2 = 4. देन -0 + 3, दिस गॉन व्हाट इज लेफ्ट, -1 - 2 - 2 - 3, ठीक है, ये बचेगा हमारा. तो हम इसको कर लेते हैं. दिस इज़ व्हाट, 4 - 2 = 8 प्लस, क्योंकि ये प्लस हो चुका है तो बीच में माइनस आएगा अभी. देन +3 - 3 - 4 कितना आया, 2. एंड दिस इज़ -1 विच इज़ 2 - 3, वी आर गेटिंग -1. 0 तो नहीं है ना, नेगेटिव चलेगा. बच्चों को ये डाउट होता है कि नेगेटिव आ सकता है या नहीं. येस इट कैन कम. सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो वी कैन डू इट फर्दर एंड वी विल राइट दिस. यू हैव टू राइट, सी 12th में मार्क्स लेने के लिए प्रेजेंटेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. आई गॉट 98 मार्क्स, आई एम नॉट शोइंग ऑफ, बट येस उसमें प्रेजेंटेशन किया था तभी आए, नहीं तो 10th में वही प्रेजेंटेशन लैकिंग की वजह से कुछ मार्क्स कट हो गए. सो प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ एट जॉइंट ऑफ ए के लिए हमको को फैक्टर्स चाहिए, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. सो ठीक है, फाइंड आउट कर लेते हैं. सो व्हाट एवर यू आर गेटिंग, दिस एंड दिस गॉन, 4 - 2 = 8 -6 विच इज 2, A12 दिस गॉन 0 एंड -9 विच इज +9, बट बिकॉज ऑफ दिस वी विल पुट नेगेटिव साइन, करेक्ट. ओके, नाउ A13 0 -6 प्लस ही -6 ही रहेगा बिकॉज यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, A13 है ना. नाउ A21 ये गया -4, फिर माइनस और फिर क्या है -4. सो दिस इज 0 एक्चुअली. A22 ये गया 4 - 6 -2. देन A23 दिस गॉन -2 +3 -2 + 3, आर यू गेटिंग, -2 + 3 कितना होता है 1, बट बिकॉज ऑफ दिस वी विल पुट नेगेटिव साइन, ठीक है. A31 दिस गॉन 3 - 4 -1. A32 दिस गॉन -3 -0 -3, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये दोनों ऐड करें तो नेगेटिव आता है. A33 दिस गॉन 2 - 1 = 2 देन दिस ओनली. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन ए जॉइंट. सो लेट्स फाइंड आउट द को फैक्टर्स आए हैं जॉइंट ऑफ ए, फाइंड कर लेते हैं. क्या करना होता है जॉइंट ऑफ, हमें ट्रांसपोज रो को कॉलम बना देना है. 2 - 9 - 6 करेक्ट. दिस रो विल ऑल्सो बिकम कॉलम, 0 - 2 - 1 एंड दिस रो विल ऑल्सो बिकम कॉलम, -1 - 3 - 2. सो इस तरीके से है. एक बार लेट्स चेक आउट A31 वंस कितना आ रहा है, 3 - 4 ठीक आ रहा है. ये यहाँ से क्या -3 जस्ट +3, ये +3 आ रहा था, ठीक है ना. बाकी ठीक है, इज कमिंग आउट टू बी +3. अब हम लोगों को क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है. इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1/determinant of A adjoint of A. सो दिस इज़ नथिंग बट
1 upon minus 1 adjoint of A को हम दोबारा लिख देंगे, ठीक है ना? The negative sign will go inside. We'll get minus 2 0 1. Sign change कर रही हूँ क्योंकि negative 1 ही है, उसमें हम कर सकते हैं easily change, है ना? So this you are getting the answer. So this is the inverse, easy, है ना? We have done question number 10 also. सिर्फ 8th 9th homework है, homework ज़रूर करिए. Maths is all about practice. अगर किसी के आप 100 marks देख रहे हैं, it's not कि उसने कुछ उसका luck अच्छा है या magic किया है या दिमाग ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है. हमको चीज़ें समझ के प्रैक्टिस में लाना है. दिस इज़ ऑल मैथ्स वॉन्ट. मैथ्स को आप प्यार करें, मैथ्स आपको प्यार करेगा. सो लेट्स डू द 11th क्वेश्चन नाउ. 11th क्वेश्चन में हमको क्या बोला है? ए 100 00, देन कॉस एल्फा माइनस कॉस एल्फा साइन एल्फा एंड साइन एल्फा. So this is your question, and what we need to do, सबसे पहले तो determinant of A निकाल लेते हैं. Expanding along what I am doing, expanding along R1 or C1, whatever you can do, क्योंकि दोनों तरफ से इस बार सेम पड़ेगा, C1 भी R1 भी. So 1 कितना आ जाएगा? माइनस cos square alpha and minus sin square alpha, right? सो माइनस अगर कॉमन ले अंदर आता है, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा. एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पे, दैट यू कैन फॉलो. दैट इज़ 1, सो दैट इज़ माइनस 1. ओके, अभी हम एडजॉइंट ऑफ ए के लिए को फैक्टर्स निकाल लेते हैं. दैट इज़ गोइंग टू बी ईजी अगेन, बिकॉज ज़ीरो बहुत है हमारे पास, हम ईजीली कर सकते हैं इसको. 8 3 1 8 3 2 8 3 3. सो कैन यू डू, मुझसे आप पहले कर सकते हैं क्या? A 1 1 कितना आएगा? ये क्या माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, एक्चुअली सेम ही आएगा. मैं यहाँ रफ में करती हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, कॉमन लिया नेगेटिव, अंदर प्लस साइन के साथ ये दोनों बच जाएंगे, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, तो कितना मिलेगा? 1, ठीक है. A 1 2 ये गया 0 0 0 मिल रहा है. 1 3 ये गया अगेन 0. वाओ, जब 0 मिलता है तो बहुत खुशी होती है, नहीं? A 2 1 ये गया काम कम हो जाता है एक्चुअली. A 2 2 ध्यान से करिएगा, माइनस कॉस एल्फा आ रहा है एंड माइनस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ये प्लस करें तो इवन आता है ना. ये क्या यहाँ पे दिस इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस साइन अल्फा बिकॉज साइन अल्फा आ रहा था, बट बिकॉज ऑफ दिस ऑड विल पुट नेगेटिव साइन. ये क्या यहाँ 0 एन 8 3 2 दिस गॉन. ये क्या कितना मिलेगा? साइन अल्फा विच इज़ माइनस साइन अल्फा, देन 8 3 3 ये क्या कॉस अल्फा. यहाँ नेगेटिव इसीलिए आया बिकॉज इनका सम नेगेटिव है, राइट? चलिए, अभी हमारा को फैक्टर आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए, लिख सकते हैं रो विल बिकम कॉलम, दिस रो विल आल्सो बिकम कॉलम, ठीक है ना? अभी हमको वही इनवर्स निकालना है. आई होप यू हैव लर्नड. क्या था अभी? यहाँ करते करते याद हो जाता है, 1 by determinant of A, joint of A. So 1 upon minus 1, then पूरा joint of A आप लोगों को लिख लेना है. That is 1 0 0 0 0 minus cos alpha minus sin alpha minus sin alpha and then cos alpha. ठीक है, minus को अंदर ले लेते हैं, correct? और फिर आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ माइनस 1 आ रहा था, माइनस हमने बाहर लिया था. हाँ, तो ये माइनस 1 है, माइनस अंदर ले लेते हैं. हमारा कितना आ जाएगा इनवर्स? 1 0 0 0. साइन चेंज कर देना, कॉस अल्फा साइन अल्फा हो जाएगा,
यहाँ पे ज़ीरो साइन अल्फ़ा एंड दिस विल बिकम माइनस कॉस अल्फा. सो येस, यही आपका आंसर है. एंड यू विल नोटिस वन थिंग, जो क्वेश्चन था वही आंसर आ गया. सो दैट इज़ इट. ये हमारे थे इनवर्स. हमने बहुत दोनों मेथड से हमने इनवर्स सीख लिया है. हमने मैट्रिसेस में सीखा था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज बाय एडजॉइंट, विद हेल्प ऑफ एडजॉइंट. आई होप यू लाइक माय वीडियो. सो कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट करो, एजुकेशन है, ठीक है. एंड आपके कॉमेंट्स से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ. आई लव योर कॉमेंट्स माई किड्स. ओके, सो those who are new to my channel, if you like my video, subscribe and press the bell icon that is right there only. Okay, so take care, bye bye, shabba khair, love you all.